तो उसको बहुत कच्ची है, बॉईल नहीं हुआ है, तड़का लगाया है मैंने इसको। लाल मिर्ची भी डाली है मैंने, मिर्चा खाएगी विद राइस। और यहाँ पर चाय हो रही है, और ये मैंने पकोड़े के लिए बेसन में हरी मिर्ची प्याज धनिया काट दिया है। मैं पकोड़े बनाऊंगी बिना फ्राई किए हुए, आपको दिखाऊंगी जब बनाऊंगी मैं। तो चाय भी हो गई है, चाय छान लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ी का उबाल बंद कर दी, कढ़ी में भी उबाल आनी चाहिए अभी। एक कढ़ी को देखो, उबाल आ गया। अब गैस धीमी कर दी है, जब तक मैं चाय पीऊंगी और ये कढ़ी ऑलमोस्ट पकेगी, जब पकने वाली होगी उसके 10 मिनट पहले मैं डालूंगी पकोड़े बना के बिना फ्राई किए हुए। कढ़ी हो रही है, ये है कुरमुरा, इट्स वेरी टेस्टी। जाती हूँ, टीवी देखती हूँ, चाय पीती हूँ। किचन में आई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े वाली कढ़ी। तो कढ़ी मैंने बॉयल होने रख दी है, और पकौड़ों को मैं फ्राई नहीं करूँगी। मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दिखाऊंगी आपको बिना फ्राई किए हुए कैसे बनाते हैं पकौड़े वाली कढ़ी। आइए, हरी मिर्ची धनिया और बेसन ले लिया है, नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर कढ़ी बॉईल हो रही है, देखिए अच्छे से बॉईल हो रही है। बॉईल होते हुए कढ़ी में डालना है। कढ़ी की रेसिपी जो है मैं डाल दूंगी मेरी स्टोरी में, आप चेक कर लीजिए। ये मैंने पानी डाल के ऐसा इस कंसिस्टेंसी का, देखिए आपको बनाना है पकोड़े का घोल। अब बस इसको डालेंगे हम कढ़ी में, इस तरह से हाथ में ले लीजिए, और इसको आप छोटा छोटा जो है गोला छोड़ते जाइए कढ़ी के अंदर। साइज आप छोटा रखिए, क्योंकि ये फूलेगा और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं बिना फ्राई किए हुए पकौड़े वाली कढ़ी। देखिए अब एकदम हल्के हाथ से आपको थोड़ा सा शफल देना है, देखिए पकौड़ों को थोड़ा सा जैसे उसका शेप फॉर्म होने लगे उसके बाद। और देखिए शेप फॉर्म हो गया है, इसको भी हम लोग ऐसे ही धीमी आंच पे पकाएंगे। एक बार बस हल्का सा हिलाना है और बस छोड़ देना है, और इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। देखिए पकौड़े बन गए हैं। अब मैं एक पकौड़ा आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है अंदर से, कैसा होता है। अब ये कढ़ी हो चुकी है, मैं एक पकौड़ा निकाल के दिखाती हूँ आपको कि कैसे होता है अंदर से। चलो इसको मैं भी कट करती हूँ, देखिए कितने आराम से कट हो गया है, और ये बिल्कुल पक चुका है। देखिए परफेक्ट बना है, शेप फॉर्म हो गया है, बिल्कुल कच्चा नहीं है, वेरी टेस्टी। How is it, curry rice? Yeah, Isha. And today Isha बड़ा पड़ी हूँ और मिर्ची खा रही है।